अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि कोई कुकिंग की वीडियो बनाएं, तो फिर मैंने सोचा कि एक बहुत हेक्टिक काम है जो औरतों के लिए बहुत मुश्किल होता है, रोस्ट बनाना। उसमें फ्राई करती हैं और बहुत ज़्यादा उनको टाइम भी लग जाता है और मेहनत भी करनी पड़ती है, तो मेरे पास एक बहुत क्विक और ईजीली बनने वाली रेसिपी थी विदाउट ऑयल और स्टीम्ड रोस्ट चिकन। तो आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको वो जो सब मेहनत है उससे जान छूट जाएगी, बहुत क्विकली और इजीली बन जाती है। तो मुझे कमेंट में बताएं, अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करें, क्योंकि मुझे तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं भी फ्राई के थ्रू ही बनाती थी और बहुत मेहनत और स्ट्रगल से रोस्ट बनाती थी इससे पहले। तो मोस्टली आप लोग भी अपनी अपनी फीलिंग्स और अपने उसके कमेंट के थ्रू मुझसे शेयर करें कि आपको ये कैसी लगी, इसको ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 2 टेबल स्पून हल्दी लें और 3 टेबल स्पून सॉल्ट, 4 टेबल स्पून रेड चिली, खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून और अजवाइन 2 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है, 1.5 या 1 टेबल स्पून। गार्लिक 4 टेबल स्पून एंड जिंजर 2 टेबल स्पून, और ये 4 पाउंड चिकन है जिसको आपने मैरिनेट करना है इन सब मसालों के साथ। ये मैंने कल मैरिनेट करके इसको रख दिया था और अब मैं इसमें सिर्फ फूड कलर ऐड करूंगी और फ्लेवर के लिए चिकन क्यूब जो है ये ऐड करूंगी, और फिर इसको एज इजी जैसे विदाउट ऑयल या कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर, इसको एज इजी धीमी आंच पर रख देना है। और फिर इसको हल्की आंच पे पकने दें, इसको जैसे कि देखते हैं कि इसको पानी निकल आया है और ये अपने ही पानी में कुक हो रहा है और स्टीम बन रही है और उसी में ही ये कुक हो रहा है। देख रहे हैं कि अभी स्टीम में बॉईल हो रहा है चिकन और ये टाइम टेक करेगा। 40 मिनट के बाद ये पानी सारा ड्राई हो चुका है और चिकन का जो अपना ऑयल था उसी में ही ये फ्राई हो गया है और फ्राई होकर स्टीम रोस्ट चिकन रेडी हो चुका है। तो ये बहुत ही यमी स्टीम रोस्ट चिकन रेडी हो चुका है। एक और अच्छी रेसिपीज जो मेरे पास हैं तो मैं उनको वक्तन फवक्तन शेयर करती रहूँगी।